Europe, freedom of speech, freedom of expression की आड़ में हमारे मजहब के अंदर मुदाखलत करना चाहता है। यह सिर्फ मुल्की मुदाखलत नहीं, यह सिर्फ स्टेट में मुदाखलत नहीं, यह मजहब में मुदाखलत है। यूएनओ के कानून के मुताबिक तो स्टेट में भी मुदाखलत नाजायज है, लेकिन यह तो डायरेक्ट हमारे मजहब में, हमारे कुरान के दिए हुए दीन में मुदाखलत है। और यूरोप को हम वाजह करना चाहते हैं कि गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मसले पर यूरोप का कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, ये वाजह करना चाहते हैं कि 295C हमारा ईमान है, जो इसको छेड़ेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो इसको छेड़ेगा हम उसको हम उसको हम उसको बाकी इस कानून के लिहाज से लिबरल टोला या कोई दानिश्वर या कोई भी इस कानून पर एतराज करने वाला तबका को शकूक व शुबहात हो या एतराजात हो या गुफ्तगू और डायलॉग करने का शौक हो या मुनाजरे का शौक हो, तो बंदा नाचीज हर घड़ी अपने आप को 295C के मौजू पर मुनाजरे के लिए पेश कर रहा है। ये इतराज नहीं सुनना चाहते कि लब्बैक वाले दलील का मौका नहीं देते, दलील से बात नहीं करते और ताकत के इस्तेमाल की धमकियां पहले दे देते हैं। तो मैं दलील का मौका फराहम कर रहा हूं कि 295C के बारे में जिसे अपने इल्म का घमंड हो, जिसे भी इस सिलसिला में यहां से लेकर यूरोप के कीड़े मकौड़ों तक सारे लिबरल टोले और उनके जो गुरु हैं उन सबको मेरी तरफ से दावत है कि 295C पर लाइव जिस चैनल पे चाहेंगे अल्लाह के फजल से हम नामूस मुस्तफा का परचम बुलंद करने के लिए तैयार बैठे हैं। और 295C के लिहाज से अगर दलील के मैदान में नहीं उतरते तो हम वाजह कर रहे हैं कि इस मुल्क में 295C की तब्दीली हमारी लाशों से गुजर कर कोई कर सकता है। जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह हम किसी को इस कानून में तब्दीली नहीं करने देंगे, तब्दीली